नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूँ आपके साथ शिवम। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बिहार लौटते ही अब राजद के कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि इस वक्त हम मौजूद हैं राजद कार्यालय के बाहर, और आप तस्वीर में देख सकते हैं कि राजद कार्यालय के बाहर राजद नेताओं के द्वारा एक पोस्टर लगाया गया है, जिसमें साफ तौर पर केंद्र सरकार को घेरने का काम किया गया है और पूछा गया है, सैयां हमार कमाए जात है, महंगाई डायन खाए जात है। जिस तरह से पूरे देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों में वृद्धि हो रही है, उसके खिलाफ आज राजद के कार्यकर्ताओं के द्वारा यहां पर पोस्टर लगाया गया है, जिसमें दिखाया गया है कि अपने आप को विकास के हवाले कर दो। जो सिलेंडर के दाम हैं उसे 1000 रुपये दिखाया गया है। वहीं आप देख सकते हैं कि सरसों तेल के जो कीमत हैं 220 रुपये उसे दिखाया गया है, रिफाइन 180 रुपये कीमत दिखाया गया है, राहर दाल 120 रुपये, मसूर दाल 75 रुपये और चना 80 रुपये। और साफ तौर पे पोस्टर पे आप देख सकते हैं कि जो महंगाई है वो लिखा गया है, और पेट्रोल के जो कीमत हैं वो 106 रुपये प्रति लीटर है और डीजल 100 रुपये प्रति लीटर है। कि जिस तरह से पूरे देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, उसके खिलाफ आज राजद के नेताओं के द्वारा केंद्र सरकार पर पोस्टर के माध्यम से हमला बोला जा रहा है। और यहाँ पर यह भी लिखा गया है कि जब विपक्ष में होते हैं तो महंगाई पर बड़ा सवाल उठाते हैं, और जब सत्ता में आते हैं तो विकास तो उसका जिम्मेदार विपक्ष को बताते हैं। तो हमारे साथ कुछ राजद के युवा नेता भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आपके द्वारा ये पोस्टर लगाया गया है, क्या कुछ उद्देश्य है? जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पटना लौट आए हैं, तो आप लोग में काफ़ी जोश देखने को मिल रहा है। देखिए, तेजस्वी यादव पटना लौट आए हैं या वो दिल्ली हैं, इससे मतलब नहीं है। तेजस्वी यादव बार बार, चाहे तो वो बेरोजगारी को लेकर के हो, आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग रोड पर उतरे थे तो हम लोग पर लाठी डंडे ये सब बरसाए गए थे। यहाँ तक कि विधानसभा में विधायकों को, जो लोकतंत्र का मंदिर है, वहाँ पर विधायकों को पिटवाया गया था। यह पोस्टर आप देखें, इस पोस्टर में दिखाया गया है अपने आप को विकास के हवाले कर दो। आप देखिए कौन सा विकास की बात करते हैं आप मोदी जी। आज पेट्रोल जो है 100 रुपया क्रॉस कर चुका, शतक लगा चुका है, नवाद है, प्रतिदिन 50, 60 पैसा, 40 पैसा प्रतिदिन बढ़ोतरी होता है डीजल पर। आपके इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि डीजल, पेट्रोल से महंगा डीजल हो गया। सिलेंडर का कीमत जो है सब्सिडी आपने ख़त्म कर दिया, लोग मर रहे हैं। आप कहते, जब युवा पूछा करता था लॉस्ट माय जॉब, आप कहा करते थे डोंट वरी सेल पकौड़ा। अगर सेल पकौड़ा, किस चीज़ से पकौड़ा तलेगा? आप अगर रोजगार पकौड़ा को कहते हैं, सरसों तेल 200 पार कर गया, नवाद है, प्रतिदिन बढ़ रहा है। आप देख लिए रिफाइन 180 पार हो चुका। आप देखिए राहर दाल हो गया, मसूर दाल हो गया, चना दाल। देश के लोग 35% लोग प्रतिदिन भूखे सोते हैं, और जिस देश में 35% लोग प्रतिदिन भूखे सोते हों, उस देश का कभी अच्छा दिन आ सकता है क्या? ये आप खुश होते हैं, लेकिन दुख तब होता है जब लोकतंत्र के चौथे स्तंभ आप लोग भी हैं, वो जब चुनाव आता है मोदी जी का, तो हिंदू, मुस्लिम, मस्जिद, इन सब पर बात करते हैं। हम विकास पर बात नहीं करते हैं। विकास का एजेंडा मोदी के लिस्ट से निकल चुका है, उन्हें विकास के एजेंडे पे बात नहीं करना है। वो जानते हैं कि धर्म की बात करो, जब कहा जाता है कि जब चुनाव आएगा ना तो लोग को धर्म में फंसा दो, जात पात में फंसा दो, हम चुनाव जीत जाएंगे, सत्ता पे रहेंगे। लेकिन महंगाई पे बात कीजिएगा, आप देखिए जब बेरोजगारी पे बात कीजिएगा तो आपको वही हिंदू मुस्लिम का ढिंढोरा सुनना पड़ेगा, लेकिन विकास की बात नहीं। लेकिन आप लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, जब आप लोग जनता की आवाज़ को अगर बुलंद नहीं कीजिएगा, सरकार की कानों में आवाज़ नहीं पहुंचाइएगा, तब तक लोगों का क्या होगा? सर, आज देश के 35% लोग भूखे सो रहे हैं, ये देश के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। सुन सकते हैं, तो आप साफ तौर पर सुन सकते हैं कि जो राजद के नेता हैं उनका कहना है कि जिस तरह से पूरे देश में पेट्रोल और डीजल और साथ ही साथ रसोई गैस के दामों में वृद्धि हुई है, उसके खिलाफ आज हम केंद्र सरकार पर हमला बोल रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की दाम में वृद्धि हो रही है, तो ऐसे में क्या केंद्र सरकार जो है पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती करती है या नहीं। बहरहाल आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। We'll be right back.